शर्मनाक होर घटना जो आज नारायणगढ़ में सरकार द्वारा की गई है, हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके बीजेपी के दलों ने, और मेरी आपसे बेनती है अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान साथी नारायणगढ़ पहुंचे। लखीमपुर की घटना अजे मठी नहीं पई सी कि हुण हरियाणा के नारायणगढ़ तो अजिहा ही एक होर नवा मामला सामने आया। तस्वीरां च देखा जा सकता है कि भाजपा आगू नायब सैनी का किसानों वालों जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। अजिहे च वीडियो दौरान एक किसान वालों यह भी कहा जा रहा है कि एक किसान उत्ते भाजपा आगू वालों गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की गई है, जिसनों हस्पताल भेजा गया है। इस दे नाल ही किसान यह भी कहना सुनाई दे रहा है कि भाजपा वालों मुड़ तो अज लखीमपुर घटना को दोहराउण की कोशिश की गई है। जय जवान जय किसान साथियों, साथियों एक शर्मनाक होर घटना जो आज नारायणगढ़ में सरकार द्वारा की गई है, हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके बीजेपी के दलों ने, और मेरी आपसे बेनती है अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान साथी नारायणगढ़ पहुंचे, और जो हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है वो जख्मी है, वो अस्पताल में भर्ती है, और अब तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम आधा घंटा हो चुका है, तो प्रशासन से यही बेनती है अभी जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले। भाइयों जल्द से जल्द पहुंचो, अपने बंदे के ऊपर गड्डी चढ़ा दी, एक छोकरे के ऊपर, और बीजेपी के दल ने वही यूपी वाला काम करे अज भी अंतर वाले भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो नारायणगढ़। किसानों ने इल्जाम लगाए कि भाजपा आगू नायब सैनी का विरोध कर रहे किसानों से गड्डी चढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि किसानों को डराया जा सके। इस दौरान किसानों ने प्रशासन तो मांग की कि नायब सैनी उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए, जेकर अजिहा ना होया तो उन्होंने वालों थाने का घिराव किया जाएगा। इस दे नाल ही किसानों ने इल्जाम लगाए कि भाजपा वालों अजिहा करके किसान अंदोलन नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अते वो किसी भी हालत विच खेती कानून रद्द करवाए बिना वापस नहीं जाएंगे। कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया नायब सैनी का, नायब सैनी गाड़ी आ गई, जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। तो यहाँ पर किसान इकट्ठे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा, और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे, और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है, और सब किसानों से निवेदन है स्पष्ट रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है, और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो, तो ऐसे ही यहाँ के सीएम जो चकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार पर तैयार रहें, और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, शांति प्रिय प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे, और एक काले कानून रद्द कराकर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं है, जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलने कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनका एक एक कर बिताते हैं, हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोले हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन, शांति प्रिय तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है, तसल्लुक जितना करेंगे उतना सहेंगे,
और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद है और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है, इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली गहराव या जो भी आपको अच्छा लगे इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यह हजूम आज नए श्रेणी का प्रोग्राम का विरोध करने पर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा। और दस दी की बीते दिन लखीमपुर च भाजपा मंत्री अजय मिश्रा दे पुत वालों किसानों ते गड्डी चढ़ाउण दे इल्जाम लगे ने, जिस कारण चार किसानों की मौत हो गई है। इस घटना ने देश भर के लोगों को झंझोड़ के रख दिता, पर उथे हुण मुड़ तो हरियाणा च अजिही घटना का सामने आना किते ना किते केंद्र सरकार ते वड्डे सवाल खड़े कर रहे हैं। दस दी कि नारायणगढ़ च किसानों वालों झोने की फसल सने खेती कानूनों नूं लैके भाजपा आगू नायब सैनी का विरोध किया जा रहा है, जिस दौरान किसानों ते भाजपा आगू ते लखीमपुर की घटना मुड़ तो दोहराने के इल्जाम लगे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।